अभी ये लाफ्टर में सेमीफाइनलिस्ट हुआ है, आपने देखा होगा, आजकल इस पर बड़े मुग्ध हैं शेखर जी और अर्चना जी। लेकिन उस शूटिंग के बीच से मैंने इससे कहा कि 15 अगस्त को तो कलकत्ता चलना है बेटा, ये यहाँ आया हेमंत पांडे कानपुर से आपके बीच है, पहला कवि है, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से आप उसका स्वागत करें। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कविता लिखते समय ज्ञान लगाया ही नहीं है। मैं कानपुर में रहता हूं, सर ने बताया, और हिंदुस्तान में कानपुर एक ऐसा शहर है जो आपको विश्व में कोई दूसरा शहर नहीं मिल सकता। आप किसी भी शहर की यात्रा कीजिए, कभी कानपुर आए तो आपको लगेगा कानपुर सबसे अलग है। आप कभी बनारस जाइए, बनारस रेलवे स्टेशन उतरिए तो वहां पर लिखा होगा बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, आगरा उतरिए तो लिखेगा आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से हूं। आपको मालूम है कि 5 तत्वों से दुनिया बनी है। अच्छा, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। इसमें 2 तत्व और मिला दिए जाएं, एक आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तब वो बनता है भारतीय मनुष्य। इसमें 3-4 तत्व और मिला दिए जाएं, जैसे कि गुटखा, भोकाल, चिकाई, कट्टा, तब वो बनता है पक्का कनपुरिया। तो मैं वही पक्का वाला कनपुरिया हूँ। एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिंदुस्तान का सबसे अनोखा शहर आपको मिलेगा। एक बार मुझसे तो जीवन का सबसे बड़ा पाप हो गया कि मैंने कानपुर के एक लड़के से समय पूछ लिया, क्योंकि मैं खुद कानपुर का, मैं दिल्ली एक प्रोग्राम करके गया तो रेलवे स्टेशन पे एक लड़का बैठा था। तो हमने कहा भाई टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कह रहा है ऐसा है तुरंत निकल लो, टाइम बहुत खराब है और ज्यादा बहस करोगे तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कह रहे यार टाइम पूछ रहे हैं तो उसमें लड़के हो रहे, कहने लगे बहुत मूड खराब है, तुरंत यहाँ से चले जो नहीं तुम्हारा टाइम खराब होने वाला है। तुमने कहा अच्छा टाइम ना बताओ तो ये तो बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो कहने लगा एक लड़की से हमने केवल इतना कहा, इतनी कमजोर हो गई है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई, इसीलिए हमारा मूड खराब है। और एक कारण और है जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब है। हमने कहा क्या है, कहने लगा एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे, उसको दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, हम इससे प्यार करते हैं, कोई दूसरा हम लोगों के बीच में कोई नहीं है। तो हमने कहा हुआ क्या, कहने लगा हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है और पूरे शहर में होल्डिंग लगी, उसको मिल गई टिकट जिला पंचायत की, पूरे शहर में होल्डिंग लगी, उसमें लिखा है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल, और तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो, लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। और कल एक लड़का हमारे कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करा रही है पुष्पा पाल हमारी है। तो ये हमारा साहब कानपुर है। तो मैं उसी कानपुर से साहब आया हूँ। लोग हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं, कहने लगे तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े नकारे होते हैं, काम वाम नहीं करते हैं, हरियाणा के लोगों को देखो। अभी जब नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा अगर गुरु यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहने इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान इतना बड़ा और भाला इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। 15 अगस्त में अगर लगे एक हास्य कवि भी अपनी पंक्तियों से पाकिस्तान को निपटा सकता है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे। बहुत अच्छे। कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग पाकिस्तान को ऐसे निपटा देते हैं कि सुबह सवेरे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली बाहों में चले आओ हमसे शर्म क्या पड़ता। इतने में हमारा 5 साल लड़का बोला पापा आप ना आएंगे बाहों में ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा, उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। ताली जोरदार बजा दीजिए आप। तो, तो हमारे यहाँ भाईसाहब ये चल रहा है। अच्छा है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो हास्य का कवि हूँ आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 10-15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, आपको हंसाने का प्रयास करूंगा, श्रृंगार की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा। उसका एक कारण हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जब उनकी सरकार नहीं थी 10-12 गर्लफ्रेंड हमारे पास में थी। जिस दिन उन्होंने शपथ लिया हमने सबसे पहले सबसे राखी बंधवाया क्योंकि यूपी पुलिस का भरोसा नहीं कहां से उठा लिए जाए हम लोग। तो मैंने 4 लाइन लिखी
प्यार में क्यों नहीं करता, इस पर चार पंक्ति आपको फिर मजा आ जाए तो मुझे फिर ताली बजा के आशीर्वाद देना। हमने कहा एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रस्ते में ले लिया। तो मैं बहुत रोता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा, प्यार मोहब्बत से दूर रहने के कई कारण हैं। लड़कियों की बहुत बीमारी होती है। अच्छा, किसी लड़की से आप कुछ भी पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मैच्योर तो पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जो बड़े भुक्तभोगी लोग बैठे हैं वही लोग ताली बजा रहे हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत से साफ बहुत दूर रहता हूं, उसके तमाम कारण है। तब जाके असल में लड़कियों की बीमारी होती है। बीमारी सही हो तो जितने पीछे वाले हो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो ताली जिंदाबाद भाई का ओपनर बहुत बढ़िया। मैं बहुत रोता हूँ प्यार मोहब्बत से। प्यार सर इतना अंधा होता है, इतना अंधा होता है प्यार, कि अगर प्रेमिका की नाक भी बह रही हो तो ऐसा लगता है नथनी से हीरा चमक रहा है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब प्यार से। अच्छा, मेरे कानपुर का साहब दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। अच्छा। और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खाली, ना प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लव स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। मेरा चैलेंज है अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए वो KG में आई, हम 5 में आए वो 4 में आई, हम हाई स्कूल में आए वो 9th में आई, हम इंटर में आए वो 1st ईयर में आई, फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो SSC या IIT करते, तो हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो 1st ईयर में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो इंटर में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो BA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो MA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे उसने BEd कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे उसने MEd कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे उसने MPhil कर ली, हम IIT की तैयारी कर उसने PhD कर ली, हम IIT की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके आप दिखा देना। मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से साहब। वो एक प्रेमिका हमसे, लड़की हमसे कहने लगी हमको एक सोने की चैन दिला दो, तो हमने कहा क्यों, कहने लगे हम तुमको याद करते रहेंगे। तो हमने कहा चैन नहीं दिलाएंगे फिर भी हम तुमको याद आते रहेंगे। तो उसने कहा कैसे, हमने कहा पूरे जीवन भर सोचोगी, हराम खोर से पहली बार एक चीज कही थी दिलाने के लिए वो भी इसने नहीं दिलाई। तो हमारे साथ तो इस तरीके की घटनाएं सब घटती रहती है। बहुत अच्छा। हालांकि नाम का कोई भरोसा नहीं है, नाम पे कभी नहीं जाना चाहिए। मुस्कान नाम की लड़की थी, वो हमारा इतना नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, उसने भी 1.5 साल हमको अंधेरे में रखा। तो नाम का कोई भरोसा नहीं होता है। अच्छा, लड़कियां लड़कों का नाम सेव करती हैं, आप जानते ना कैसे सेव करती हैं, जानू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, माई डियर। और हम लड़के इनके नाम पैसे कैसे सेव करते हैं, लड़कियों के नाम राशि, प्लम्बर, पप्पू हलवाई, राजू मिस्त्री। ये हमारे दिनेश भैया योगिता चौहान का नाम फिट कर रखे हैं राशि प्लम्बर के नाम से। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ इस हिसाब से। तो आप समझ जाएंगे प्यार मोहब्बत से मैं क्यों दूर रहता हूँ, कि उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, सुरक्षित भी कुछ देर रहा। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए साहब, हम लोग तो कानपुर उत्तर प्रदेश के, तो हमसे कहने लगा कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग इतने नकारा हैं कि तुम्हारे यहाँ के लोग कभी स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते हैं। देखो तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के जीत लिया। तो हमने कहा यार देखो ऐसा, हमारा उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे अलग है, हरियाणा के बच्चों में और उत्तर प्रदेश के लड़कों में बहुत अंतर है, ह्यूज डिफरेंस। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है मॉर्निंग वॉक करता है, उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर वॉक करता है, फिर फल खा के सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वॉक करते हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सोके उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लेती आता है। उसके बाद वो घर के सबसे नजदीक जो पुलिस चौकी होती है वो वहां जाता है और दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ।